Hello everyone, how are you all? I hope that you are fine. So in this lecture, today we'll start our biology chapter number 2, that is biological classification. Okay, so first of all I want to say you that if you like our videos, if you understand each and everything, agar aapko sab kuch samajh mein aata hai hamari videos ko dekhkar, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस. ओके, सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो इन दिस व्हाट इज गिवन, इसमें ये बताया हुआ है कि सबसे पहला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. ओनली दिस इज गिवन हियर इन दिस पैसेज, तो वो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ. फिर हम ये टेबल एक बार इससे गो थ्रू हो जाएंगे अच्छे से, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना. फर्स्ट आते हैं हमारा एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ही वॉज द फादर ऑफ जूलॉजी, तो उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने टू कैटेगरीज को रखा था, फर्स्ट प्लांट्स एंड सेकेंड एनिमल्स, मीन्स प्लांटे एंड एनिमेलिया. प्लांट्स में उन्होंने प्लांट्स को थ्री कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया था, हर्ब्स, ट्रीज एंड शर्ब्स में. आपको हर्ब्स शर्ब्स के बारे में पता होगा, इन जूनियर क्लासेज यू हैव रेड अबाउट दीज. सेकेंड उन्होंने किया था एनिमेलिया में, मीन्स एनिमल्स में, और उन्होंने एनिमल्स को टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, फर्स्ट रेड ब्लड एंड सेकेंड वाइट ब्लड. ठीक है, देन कार्लस लीनियस, ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, हमने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में. उन्होंने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को रखा था. नेक्स्ट आते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन. अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन तो एरिस्टोटल और कार्लस लीनियस ने दिया था. नेक्स्ट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया था. इस चैप्टर में फर्स्ट हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, देन प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में सारे एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, हम फर्दर स्टडी करेंगे. तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हमारा अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टा को इंक्लूड कर दिया था. प्लांट्स और एनिमल्स तो थे ही थे, उन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में. किसने? अर्नेस्ट हैकल ने. नेक्स्ट आते कोपलैंड. कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. उन्होंने बोला कि एनिमल्स भी आ गए, प्लांट्स भी आ गए, एक्वेटिक एनिमल्स भी आ गए प्रोटिस्टा में, बट बैक्टीरियाज कहाँ जाएंगे जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं. तो उन्होंने मोनेरा को ऐड किया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में. किसने किया? कोपलैंड ने. नेक्स्ट आता है हमारा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा आर एच विटेकर ने दिया था, और इसमें उन्होंने फंजाय को जोड़ा था, जो कि हमारा सेप्रोफाइटिक है, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करता है. हीट्रोट्रोफ है, मतलब अपना खाना किसी दूसरे से लेता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है फंजाय. तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी, देन थ्री, देन फोर, और फाइनली फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम इस चैप्टर में फर्दर रीड आउट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है ये टेबल, तो हम एक बार इस टेबल से गो थ्रू हो जाते हैं. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. अगर हम मतलब आर एच विटेकर ने इन पांचों किंगडम्स को उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर इनमें डिफ्रेंशिएट किया था, लाइक सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है उनकी, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, सेप्रोफाइट है, ऑटोट्रोफ है या हेट्रोट्रोफिक है. तो फर्स्ट अगर हम सेल टाइप के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट करें, तो मोनेरा जो होते हैं बैक्टीरियाज,
वो प्रोकैरियोट होते हैं, मतलब उनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और बाकी फोर किंगडम्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट बात आती है सेल वॉल की। मोनेरा बैक्टीरियाज की जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्युलोसिक होती है, ये पॉलीस्टेराइड से बनी हुई होती है प्लस अमीनो एसिड्स प्रोटीन से बनी हुई होती है। नेक्स्ट इन प्रोटिस्टा मीन्स एक्वेटिक एनिमल्स इट इज प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स, फंजाई में प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेलुलोज विथ काइटिन। फंजाई की सेल वॉल में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, उसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बनी हुई होती, किससे बनी हुई होती है, काइटिन से। नेक्स्ट इज प्लांटिंग, प्लांटिंग में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और एनिमेलिया में हमारी सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, मतलब उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है बिकॉज उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दे आर यूकैरियोटिक। नेक्स्ट आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोनेरा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है, मीन्स यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर होते हैं। आगे फंजाई दे आर मल्टी सेलुलर और इनमें टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लांट्स में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फिलोयम, और इनमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स में पहले सेल होती है, देन टिश्यू ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होती है अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हिटरोट्रॉफिक भी होता है। ऑटोट्रॉफिक होता है केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, और हिटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक, मतलब वो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं और वो पैरासिटिक होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को भी वो हार्म करते हैं, उन पर फीड करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक होता है और हिटरोट्रॉफिक, ये दोनों होते हैं, और ऑटोट्रॉफिक में दे आर फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट इज फंजाई। फंजाई हमारा हिटरोट्रॉफिक होता है एज वी ऑल नो, दे आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर एंड दे आर पैरासिटिक। नेक्स्ट इज प्लांटिंग। प्लांटिंग हमारा यूकैरियोटिक होता है एंड ऑटोट्रॉफिक होता है फोटोसिंथेसिस, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे प्रोसीड करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। एनिमेलिया हमारा हिटरोट्रॉफिक होता है, मीन्स सेप्रोफाइटिक, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर भी फीड करते हैं लाइक डॉग्स, और दे आर होलोजोइक लाइक ह्यूमंस। होलोजोइक का मतलब है वो बाहर से सॉलिड फूड लेते हैं और अंदर अपनी बॉडी में उसे लिक्विड सॉलिड के फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हियर व्हाट इज आर एच विटेकर इन 1969 प्रपोज्ड अ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, और उन्होंने क्राइटेरिया क्या लिया उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेल स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होते हैं, फाइलोजेनेटिक में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर कैटेगराइज्ड होते हैं, तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट द थ्री डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा एंड इनटू टू डोमेन्स, यूकैरियोटिक किंगडम्स इन द थर्ड डोमेन एंड थेरबाय सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट ये इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आगे का है सारा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो व्हाट इज दिस,
आगे ये इन सब का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रखा है फाइव किंगडम्स का. लाइक हमारा फर्स्ट किंगडम है इधर किंगडम मोनेरा. इस किंगडम में हम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फंजाय के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे. लास्ट में आपका वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, इनके बारे में थोड़ा गिवन है, लाइकेंस वगैरह, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे. लेकिन जो आपका प्लांटी एंड एनिमेलिया का टॉपिक है, प्लांट्स के बारे में हम चैप्टर 3 में रीड आउट करेंगे. लाइक एल्गी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड हो जाएंगे, जिन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर 3 में. और चैप्टर नंबर 4 में हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा की. किंगडम मोनेरा, बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर. किंगडम मोनेरा में सारे बैक्टीरियाज इंक्लूड होते हैं, ठीक है. दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर इन लार्ज अमाउंट. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सब जगह बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. हमारे हैंड्स पर भी होते हैं, फुल बॉडी में होते हैं, कर्ड में भी बैक्टीरियाज होते हैं, खाने पीने की जितने भी आइटम्स होते हैं मेनली सब में बैक्टीरियाज ही प्रेजेंट होते हैं. तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल. सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव. बैक्टीरियाज कैन इवन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है. मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स. जो पैरासाइट्स होते हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं. बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. अब उनकी शेप के बेसिस पर जो बैक्टीरियाज है वो फर्दर डिवाइडेड हैं फोर पार्ट्स में, कॉकस, बैसिलस, वाइब्रियम एंड स्पिरिलम. जो कॉकस है, दीज आर रॉड शेप, सॉरी कॉकस दीज आर स्फेरिकल. इसमें नीचे फिगर सी, दीज आर कॉकस, दीज आर कॉकस, दीज आर स्फेरिकल इन शेप. नेक्स्ट इट इज बेसिलस. बेसिलस बैक्टीरियाज आर रोड शेप्ड. लाइक वी नो कि हमारी कर्ड के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस. तो ये वही बैक्टीरिया है एंड दीज आर रोड शेप्ड. नेक्स्ट आता है वाइब्रियम. वाइब्रियम इज कोमा शेप्ड. हियर इट इज गिवन वाइब्रो. इट इज कोमा शेप्ड बैक्टीरिया. एंड नेक्स्ट इज स्पिरिलम. इट इज लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड एट द एंड फ्लैजेलम इज प्रेजेंट. फ्लैजेला हेल्प देम टू मूव. ओके, अब जैसे स्फेरिकल बैक्टीरियाज हैं हमारे पास कोकस, अगर हम उन्हें देखें तो हमने अभी पढ़ा कि वो स्फेरिकल होते हैं, दीज आर स्फेरिकल. अगर हमारे पास दो कोकस हैं, दो स्फेरिकल कोकस हैं, तो हम उसे बोलेंगे डिप्लोकोकस. अगर हमारे पास फोर है, मतलब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस. और अगर बहुत सारे हैं लाइक अ क्लस्टर, तो हम उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया. अगर दो हैं तो डिप्लोकोकस, चार हैं एक चेन की टाइप में तो स्ट्रेप्टोकोकस, और अगर बहुत सारे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर तो हम उन्हें बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज. ओके, लाइक अगर हम बात करते हैं तो इनमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होती है कुछ कुछ में. तो अगर एक स्फेरिकल कोकस में अगर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस. और अगर दो प्रेजेंट है दोनों साइड्स पर तो एम्फीट्राइकस. और अगर एक साइड पर बहुत सारी प्रेजेंट है तो लोफोट्राइकस. और अगर दोनों साइड फ्लैजेला प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलेंगे सेफालोट्राइकस.
ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इन योर एनसीईआरटी इट इज नॉट गिवन. नेक्स्ट, दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल होता है, बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर कंपेयर टू मैनी अनदर ऑर्गेनिज्म. अगर हम अदर ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. उनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, मेटाबॉलिज्म है जो उनमें, वो सभी ऑर्गेनिज्म से बहुत अलग है, बहुत डाइवर्स है. सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना खाना खुद बनाते हैं. दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल. दे में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. फोटोसिंथेटिक मतलब वो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, और केमोसिंथेटिक विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. द वास्ट मेजॉरिटी, लेकिन जो बहुत इन लार्ज अमाउंट के जो बैक्टीरिया हैं, इन लार्ज नंबर में, दे आर हीटरोट्रॉफिक, मतलब दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड. फिर जो मोनेरा है बैक्टीरिया, मोनेरा इज यूनिसेल्युलर, इट इज प्रोकैरियोटिक. मोनेरा जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, और इसके सेंटर में जहाँ पर न्यूक्लियस होता है ना, लेकिन मोनेरा के अंदर जैसे सेल के सेंटर में, साइटोप्लाज्म के बीच में, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. लेकिन हमने अभी टेबल में रीड आउट किया था कि जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर प्लाज्मिड होते हैं एंड सम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन इट. ओके, तो ये मोनेरा के बारे में था. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आर्की बैक्टीरिया. मोनेरा का ही टाइप है आर्की बैक्टीरिया. ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं, लाइक इन हॉट स्प्रिंग्स या सॉल्टी एरियाज. दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. हेलोफाइल्स की अगर हम बात करें तो हाइलोफाइल्स होते हैं ये. तो हाइलो का मतलब होता है सॉल्ट, और फिल्स का मतलब होता है लविंग. हाइलोफिल्स मतलब दीज आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, इन्हें सॉल्टी एरियाज में रहना बहुत पसंद है. हॉट स्प्रिंग्स मीन्स थर्मोएसिडोफाइल्स बहुत हाई टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें थर्मोएसिडोफाइल्स बोला जाता है. एंड मार्शी एरियाज में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो मिथेन गैस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. मिथेन जनरेटर्स होते हैं जो मार्शी एरियाज में रहते हैं. तो आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन. इनकी सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो अदर बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होता है, दैट्स वाई दे कैन सर्वाइव इवन इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफलोस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. जो मिथेनोजेंस होते हैं वो काउज एंड बफलोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दीज बैक्टीरिया उनकी गट्स में, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, वो मिथेन बायोगैस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं फ्रॉम द डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स. जो काउ डंग होता है या बफलो का जो डंग होता है, उससे वो मिथेन गैस की प्रोडक्शन में, बायोगैस की प्रोडक्शन में बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड दीज आर फाउंड इन मार्शी एरियाज, एंड दैट बायोगैस फर्दर बेनिफिट्स द एग्रीकल्चर. ओके, नेक्स्ट, ये आर्की बैक्टीरियाज थे हमारे, जो बहुत ही
हार्श एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी इन सेल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज यू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया जो होते हैं, यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया. यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं. They are characterized by the presence of rigid cell wall. इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा hard cell wall present होती है. And if motile, a flagellum. अगर जो यू बैक्टीरिया locomote नहीं कर सकते, locomotion movement show नहीं करते, तो उनके अंदर rigid cell wall होती है. लेकिन कुछ के अंदर फ्लैजेला भी प्रेजेंट होती है जो मूवमेंट शो करते हैं. द साइनोबैक्टीरिया, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी. दे हैव क्लोरोफिल एंड अ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मींस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर. जो हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये यूनिसेल्युलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटियस होती है. वो फ्रेश वाटर या मेराइन और टेरेस्ट्रियल में पाई जाती है एल्गी. द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनियस शीट. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. जैसे हम एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं, एल्गल ब्लूम का मतलब होता है सडनली इंक्रीज इन स्प्रेड ऑफ एल्गी. जब बहुत ज़्यादा एल्गी स्प्रेड हो जाती है और वो मेराइन एनिमल्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होती है, उन्हें किल भी कर देती है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोसफियर नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज हिट्रोकाइस्ट लाइक नो स्टॉक. ये दीज हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नोस्टॉक इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड एनाबेना. केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया and use the released energy for their ATP production. ATP means energy. Adenosine triphosphate. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. जो नोस्टोक होते हैं, these are nitrogen fixing bacteria. Okay? एंड दीज आर, ये एनरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं विद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. दे हैव थिक सेल वॉल जिसको हम हिट्रोसिस्ट कहते हैं. लाइक अगर हम इस फिगर की बात करते हैं तो इसमें ये नोस्टॉक है, इसके अंदर एक थिक सेल वॉल होती है. यहाँ आपको दिख रहा है, ये जो थिक सेल वॉल होती है इसको हिट्रोसिस्ट कहते हैं. और ये जो होते, ये है ना म्यूसिला जीनियस शीथ, ये उसके ऊपर बहुत मोटी कवरिंग होती है. तो ये था हमारा यू बैक्टीरिया. नेक्स्ट इट इज हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स. अपना खाना किसी दूसरे से लेते हैं. तो दीज आर इन मेजॉरिटी. द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स. ये डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिजम्स या सब्सटेंसेस को डिकम्पोज भी करते हैं. दीज आर डिकम्पोजर्स ऑल्सो. मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स. Like they are helpful in making curd from the milk, lactobacillus is present, production of antibiotics, fixing nitrogen in leguminous. Fixing nitrogen in leguminous roots.
दिस इज़ हाउ बैक्टीरियम इज़ डिवाइडिंग. इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल प्रेजेंट होती है. सम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट विथ प्लाज्मिड. सम आर पैथोजेंस कोजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स. इन बैक्टीरियाज में से कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं, क्रोप्स को हार्म करते हैं, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स को करते हैं. कोलेरा, टाइफाइड, टेटेनस, सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीज कोज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन. देखो, आपने अमीबा के केस में भी पढ़ा होगा फिजन कैसे डिवाइड हो जाते हैं वो टू डॉटर सेल्स में. तो ऐसे ही ये बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ फिजन डिवाइड हो रहा है. समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स. ये स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं. दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर. द माइकोप्लाज्मा आर अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. इन माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. मीन्स दे आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. इनमें सेल वॉल नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट लेट सॉल्व वन असाइनमेंट ऑन वेट. फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग. फर्स्ट इज मोनेरा. मोनेरा इज अ किंगडम विच इंक्लूड्स ऑल बैक्टीरिया एंड दीज आर प्रोकैरियोटिक. मोनेरा किंगडम होता है. नाउ ओनली वी हैव रेड इट इंक्लूड्स ऑल द बैक्टीरिया दैट आर प्रोकैरियोटिक मीन्स विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज प्रोजीनोट. प्रोजीनोट इज एनी प्रीमोडियल ऑर्गेनिज्म इन विच रिलेशनशिप बिटवीन जीनोटाइप एंड फेनोटाइप वॉज स्टिल इवॉल्विंग. ये एक प्रीमोडियल ऑर्गेनिज्म होता है प्रोजीनोट, जिसके अंदर जीनोटाइप और फेनोटाइप की जो रिलेशन है इट वॉज स्टिल इवॉल्विंग. नेक्स्ट इज प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड इज एन इररेगुलरली शेप्ड रीजन विद इन द सेल ऑफ प्रोकैरियोट दैट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. न्यूक्लियोइड एक इररेगुलरली शेप्ड, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, रीजन विद इन द सेल ऑफ प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है दैट कंटेन्स जेनेटिक मटीरियल. एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डीएनए जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. ये क्या होता है? सी हियर इट इज. एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एनारोबिक, यू कैन सी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. नेक्स्ट वट इज बैक्टीरियोलॉजी. हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया. बैक्टीरियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट मोर्फोलॉजी, इकोलॉजी एंड जेनेटिक्स ऑफ बैक्टीरिया. मोर्फोलॉजी उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में. एंड फादर ऑफ बैक्टीरिया वॉज लुइस पाश्चर. लुइस पाश्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सपेंड द टर्म एमएलओ एंड पीपीएलओ. एमएलओ मीन्स माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स
एंड PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मा MLO माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, वट इज फूड पॉइजनिंग, नेम अ बैक्टीरियम कॉजिंग इट. बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग इज साल्मोनेला. फूड पॉइजनिंग इज इलनेस कॉज्ड बाय फूड कॉन्टामिनेटेड विद बैक्टीरिया वायरस एंड टॉक्सिन्स. फूड पॉइजनिंग एक तरह की बीमारी होती है विच इज कॉज्ड बाय फूड कॉन्टामिनेटेड विद, जो फूड होता है जो बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से या कुछ हार्मफुल पॉइजन की वजह से खराब हो जाता है, उसके कारण होती है. एंड बैक्टीरिया कॉजिंग इट इज साल्मोनेला. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विद अ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर होती है सेल वॉल की विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन लेयर होती है सेल वॉल की विच इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. उसमें थिक होती है, इसमें थिन होती है. नेक्स्ट, राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा. मोनेरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, और ये सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. नेक्स्ट, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया. क्या इम्पॉर्टेंट हो, क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है. दीज आर इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर, हेल्प इन सीवेज डिस्पोजल, एंड हेल्प इन सिंथेसाइजिंग ऑफ सेल्यूलोज, या फिर दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ बायोगैस, मीथेन गैस. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आर्किबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया आर मोस्ट एंशियंट हिट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोजीनोट. प्रोजीनोट अभी पढ़ा था क्या होते हैं, जिनके अंदर जीनोटाइप और फेनोटाइप की जो रिलेशन थी दैट वॉज स्टिल इवॉल्विंग. और इसके फीचर्स क्या होते हैं, सेल वॉल इज डिवॉइड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एंड सेल्युलोज. सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन और सेल्युलोज की बनी हुई नहीं होती, एंड दे कैन सर्वाइव इन हार्श हैबिटेट्स. नेक्स्ट इज, What is the principle underlying the use of cyanobacteria in agriculture field for crop improvement? Cyanobacteria blue green algae होती है. Cyanobacteria improve nitrogen fertility of the crop field as many of them are capable of nitrogen fixation. For example, nostoc. It reduces soil alkalinity. मतलब soil सेलेनिटी को रिड्यूस करती है. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक आर वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आर वीडियो, सब्सक्राइब आर चैनल. थैंक यू.